अच्छा है, और अपने कलाम से नवाजी नुरैन फर्रुखाबादी शहर का एक ऐसा नौजवान शहर कि जिसने शायरी को जिस तरह की संगीतगी संज्ञा है, बिलाशुबा तमाम शायरी उनसे बेहतर मुस्तकबिल, मतलब उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो भी रहते हैं और उनसे बड़ी तवक्कुआत है। गुजारिश कर रहा आजकल तीन चार नज़में कही हैं, उनमें से एक नज़्म तो कहीं नहीं सुनाई। हाँ वही सुना, वो शुजात ने सुना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और अख्तर साहब आपने भी सुनी, अच्छी बात है। इसी ने सुना कि जो बात इमरान साहब ने कही थी उसको आगे बढ़ा रहा जी। इतना याद रखिएगा, कोशिश करता रहा हूँ नहीं कि कलम कारो नगमा निगारो अमरीकी एजेंसियों के इताअत गुजारो, कलमकारो नगमा निगारो अमरीकी एजेंसियों के इताअत गुजारो, तुम अदब का मीनार हो, नई नस्लों के अलम बरदार हो, फिलिस्तीन खून का दरिया बन जाए, अफगानिस्तान जख्मों से चूर चूर हो जाए, मगर तुम चुप रहो क्योंकि अदब में सच बोलना अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ है। खिलाफ है। कलमकारो नगमा निगारो अमरीकी एजेंसियों के इताअत गुजारो, तुम अदब का मीनार हो, नई नस्लों के अलम बरदार हो, फिलिस्तीन खून का दरिया बन जाए, अफगानिस्तान जख्मों से चूर चूर हो जाए, मगर तुम चुप रहो क्योंकि अदब में सच बोलना अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ है। देखिएगा रुख पैदा किया है, अगर तुमने ये कलमकारो नगमा निगारो अमरीकी एजेंसियों के इताअत गुजारो, तुम अदब का मीनार हो, नई नस्लों के लंबरदार हो, फिलिस्तीन खून का दरिया बन जाए, अफगानिस्तान जख्मों से चूर चूर हो जाए, मगर तुम चुप रहो क्योंकि अदब में सच बोलना अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर ये तुमने गुनाह किया तो आदम की तरह नए अदब की जन्नत से एक गुमनाम धरती पर फेंक दिया जाओगे।